हाय गाइस, कोलेजन आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, इसलिए आज मैं आपको कोलेजन के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करें। कोलेजन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है और ये ग्रीक वर्ड ग्लू से आता है, यानी कि चिपकने वाला पदार्थ, क्योंकि इसका काम यही है। यही वो प्रोटीन है जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी और बोन्स और जॉइंट्स की हेल्थ को ठीक रखता है। ये और भी बॉडी पार्ट्स में पाया जाता है, जैसे बाल, स्किन, नेल्स, दांत, कॉर्निया, ब्लड वेसल्स, बोन्स और लिगामेंट्स वगैरह। इन शॉर्ट, अगर आप जानना चाहते हैं कि कोलेजन कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। हमारी बॉडी का 30% कोलेजन है। हमारे स्किन में 70% कोलेजन है। 20 साल की उम्र के बाद डर्मिस लेयर हर साल 1% कम कोलेजन बनाता है और 60 साल की उम्र तक में हमारी बॉडी में 50% कोलेजन ही रह जाता है। हमारी बॉडी इस प्रोटीन को नेचुरली बनाती है, लेकिन एज के साथ इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है और फिर हमें मिलता है रिंकल्ड स्किन, जॉइंट्स में पेन, वीक हड्डियाँ और टूटते नाखून वगैरह। हम खुशकिस्मत हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की की है और हमें मौका मिला है अपना खोया हुआ कोलेजन वापस लाने का इन सप्लीमेंट्स के ज़रिए। पहले के लोगों के पास तो ये ऑप्शन भी नहीं था। कोलेजन को हमारी डाइट में ऐड करने के लिए हमें कोलेजन सप्लीमेंट्स लेने होते हैं और वो कैप्सूल्स, टैबलेट्स या पाउडर के फॉर्म में आते हैं। जैसे कि ये टैबलेट सप्लीमेंट, इसमें कोलेजन के साथ बायोटिन भी है ताकि बाल, स्किन और नेल्स हेल्दी रहें। इसमें कोलेजन पेप्टाइड्स हैं जो गाय के स्किन से आता है और इसलिए इसे बोवाइन कोलेजन कहते हैं। कोलेजन का बेसिकली कोई टेस्ट या स्मेल नहीं है, इसलिए आप इसे कहीं भी डाल लें या फिर खा लें या फिर पी लें। जैसे कि ओट्स, सैलेड, बेकिंग रेसिपीज़, चाय, कॉफ़ी, स्मूदी या फिर प्लेन पानी वगैरह। कोलेजन का कोई वेजिटेरियन सोर्स नहीं है, ये मोस्टली गाय, मच्छी, चिकन या पिक स्किन से ही लिया जाता है। कहीं कहीं मैंने देखा है कि ये बाइसन के स्किन से भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोलेजन पेप्टाइड्स के पैक में बोवाइन कोलेजन है जो गाय के स्किन से लिया गया है। बोवाइन कोलेजन में टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन होता है। इन्हें हाइड्रोलाइज किया जाता है ताकि हमारी बॉडी में ये अच्छे से एब्जॉर्ब हों। टाइप 1 कोलेजन सबसे ज़्यादा होता है ह्यूमन बॉडी में। ये स्कार टिश्यू, स्किन, कॉर्निया, टेंडन्स, बोन्स, दांतों वगैरह में होता है। और टाइप 3 कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू है और काफ़ी डेलिकेट होता है। ये बोन मैरो, यूट्रस, इंटेस्टाइंस, आर्टरी वॉल्स वगैरह में होता है। सेकेंड टाइप का कोलेजन है मरीन कोलेजन और इसका ये पैक है मेरे पास। मरीन कोलेजन फिश जैसे कॉड, हैडक, सामन वगैरह के स्किन और स्केल से सोर्स किया जाता है। इस कोलेजन में काफ़ी टाइप 1 कोलेजन होता है। इसका मतलब है अगर स्किन टाइट और टोन करनी है तो मरीन कोलेजन आपके लिए बेस्ट है। बोवाइन कोलेजन में दोनों टाइप 1 और 3 कोलेजन है और इसमें डबल प्रोटीन है मरीन कोलेजन के मुकाबले। तो अगर आप बीफ खाते हैं तो बोवाइन कोलेजन बेस्ट चॉइस है हेल्थ और कॉस्ट के हिसाब से। तीसरा टाइप है चिकन कोलेजन या चिकन बोन ब्रॉथ पाउडर। इस पैक में लिखा है चिकन प्रोटीन। ये चिकन की बोन्स और कार्टिलेज से लिया जाता है और इसमें काफ़ी टाइप 2 कोलेजन होता है। ये कोलेजन ज़रूरी है हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज, जॉइंट्स और लिगामेंट्स के लिए। यह हमारी स्किन में मॉइस्चर और जॉइंट्स के अराउंड लुब्रिकेशन रखता है। मार्केट में वेजिटेरियन फॉर्म के जो कोलेजन मिलते हैं वो एक्चुअली कोलेजन बिल्डर्स हैं, असली कोलेजन नहीं है। इसका मतलब है कि ये प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इन सप्लीमेंट्स में यूजुअली विटामिन सी, पॉलीसैकेराइड्स, सिलिका, जिंक, कॉपर और अमीनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि यही हमारी बॉडी को चाहिए कोलेजन बनाने के लिए। ये उनके लिए ठीक है जो वेजिटेरियन हैं और जो बोवाइन, चिकन या मरीन कोलेजन नहीं ले सकते। इनमें डाली गई चीज़ों का टेस्ट है, ये टेस्टलेस नहीं है असली कोलेजन की तरह, इसलिए आप इसे सब चीज़ों में नहीं डाल सकते हैं। इसे आप पानी के साथ पी सकते हैं या फिर किसी स्मूदी वगैरह में डाल लें। अगर आप अभी भी कन्फ्यूज्ड हैं तो फिर से क्लियर कर देती हूँ। कोलेजन प्रोटीन जो एनिमल या मरीन सोर्स से आ रहा है, उसको लेने का मतलब है आप एक्चुअल कोलेजन ले रहे हैं जिसे आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी और तुरंत रिजल्ट्स भी मिलेंगे। और कोलेजन बिल्डर्स का मतलब है आप कोलेजन प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, बल्कि आप अपनी बॉडी को कोलेजन बनाने का सामान दे रहे हैं जिसके रिजल्ट्स में टाइम लगेगा और ऑनेस्टली सेम रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे।
इन शॉर्ट, कोलेजन प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपको जल्दी रिजल्ट्स देंगे कोलेजन बिल्डर्स के मुकाबले। कोलेजन बिल्डर्स यूजुअली वेजिटेरियन सोर्सेज से आते हैं, इसलिए अनफॉर्चुनेटली वेजिटेरियंस के पास सिर्फ यही ऑप्शन है। कोलेजन सप्लीमेंट्स को आपकी बॉडी 90% तक एब्जॉर्ब कर लेती है और कोलेजन बिल्डर्स को सिर्फ 25-35% तक ही। इनके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है वो खाना जिनसे बॉडी में कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़े। फूड्स जिसमें विटामिन सी और अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं वो हाइलुरोनिक एसिड और कोलेजन के लेवल्स हमारी बॉडी में बढ़ाते हैं, इसलिए सिट्रस फ्रूट्स, बेरीज, रेड और येलो सब्जियां वगैरह खाएं। कोलेजन में मोस्टली ग्लाइसिन, लाइसिन और प्रोलाइन अमीनो एसिड्स हैं और ये तीनों आपको ऐसे खानों में मिलेंगे जिनमें कंप्लीट प्रोटीन होता है, जैसे कि कीनवा, चिया, पी प्रोटीन एक्सेट्रा, इसलिए इन्हें अपने डाइट में इंक्लूड करें। एलोवेरा में काफ़ी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं और इसको खाने से स्किन, हेयर और नेल्स का हेल्थ और कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ता है। मैं कोलेजन के कुछ और फूड सोर्सेज की लिस्ट दे रही हूँ जिन्हें आपको अपनी डेली डाइट में लाना चाहिए अच्छी सेहत के लिए, जैसे कि लहसुन, वाइट टी, चिकन, फिश, एग वाइट्स, हरी सब्जियाँ जैसे पालक, केल, कॉलर्ड ग्रीन्स, स्विस चार्ड, स्प्राउट्स, काजू, टमाटर, बीन्स, अवोकाडोस और हर्ब्स जैसे जिनसेंग, अश्वगंधा एक्सेट्रा। हाई कोलेजन डाइट से कुछ ऐसे फ़ायदे मिलते हैं जैसे स्किन टोन अच्छा होता है, बाल कम गिरते हैं, बोन्स हेल्दी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स और आपकी उम्र बढ़ती है, वजन कंट्रोल में रहता है वगैरह। कोलेजन सप्लीमेंट्स जनरली सेफ हैं सबके लिए, लेकिन कुछ को साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे डायरिया, हार्ट बर्न, पेट में थोड़ा भारीपन या रैशेज वगैरह। कोलेजन पेप्टाइड्स इन जनरल कितने सेफ हैं इस पर ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स इसे ना लें तो ही बेहतर है, और वो जिन्हें लिवर या किडनी डिजीज़ है या फिर वो जिन्हें लो प्रोटीन डाइट पर रहने के लिए कहा है जैसे यूरिक एसिड पेशेंट्स, कोलेजन ना लें या फिर अपने डॉक्टर से पहले चेक कर लें। सारे कोलेजन सप्लीमेंट्स एक समान नहीं बनते, इसलिए हमेशा कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दें इन्हें लेने से पहले, जैसे ग्लूटेन फ्री, नॉन GMO, डेयरी फ्री, ओरिजिन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कोई थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, टेस्ट वगैरह। फॉर एग्जांपल, ये कोलेजन ग्रास फेड बीफ से सोर्स्ड है, जिसका मतलब है इसमें आपको कोई एंटीबायोटिक्स नहीं मिलेंगे। कितना कोलेजन हर दिन लेना है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैक खरीदते हैं, तो जो भी आप पैक खरीदें उसके पीछे लिखा होगा कि आपको कितना और किस वक्त लेना है, तो उसे आप फॉलो करें। अब जानते हैं क्या सही टाइम है कोलेजन लेने का। एज 20 से 21 राइट टाइम है कोलेजन को अपने डाइट में नेचुरली ऐड करने का या सप्लीमेंट्स के थ्रू लेने का, ताकि आपकी स्किन और हेल्थ बाकी के टाइम ठीक रहे। आप कोलेजन लेने से 10 साल तक जवान दिखने और महसूस करने लगेंगे, और ये कोई गिमिक नहीं है। कम से कम 3-4 महीने पिए इसके पूरे फायदे देखने के लिए, और उसके बाद आप जब तक चाहें इसे पी सकते हैं, यानी अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी। आशा है कोलेजन पे ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टा और FB पे भी फॉलो कर सकते हैं, और मैं जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक कोलेजन अपनी डाइट में लाएं, क्योंकि अच्छा दिखना और महसूस करना आज से पहले इतना आसान कभी नहीं था। बाय बाय।